यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सीट दी जाए पर इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, और इस बार यूएन में हो रहा द समिट फ्यूचर हर बार के समिट से अलग कैसे है, आज इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर भारत को परमानेंट सीट मिलने में कहां परेशानी आ रही है और इसके मिलने से भारत को कितना फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। इस बार यूनाइटेड नेशन में हो रहा है द फ्यूचर ऑफ समिट। इसमें दुनिया भर के कई सारी प्रॉब्लम्स को दुनिया भर के नेता एड्रेस करेंगे। ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे क्लाइमेट चेंज, युद्ध, महंगाई, गरीबी और महामारी पर यहां बात होगी। मेंबर्स कंट्रीज के बीच अलग अलग मामलों में सहयोग बढ़ाने या फिर दुनिया में जहां तनाव है उसे कम करने को लेकर बातचीत होगी। यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत शांति और सुरक्षा पक्की करने के लिए पॉलिसी लेवल पर फैसले लिए जाएंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन पर बातचीत होगी। हर साल एक एजेंडा तय होता है और बातचीत उसी एजेंडे के आसपास होती है। इस बार इसे समिट ऑफ द फ्यूचर कहा जा रहा है, जो दो बातों के आसपास घूमता है, पीपल और प्लैनेट, यानी लोगों और धरती को बचाने से जुड़े मुद्दों के तहत कॉमन ग्राउंड पर बातचीत होगी और यहां से एक फ्रेमवर्क तैयार होगा। इसके लिए 20 पेजों का एक दस्तावेज पहले से तैयार है। इसका नाम है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। ये एक तरह का एक्शन प्लान है जिस पर मेंबर्स कंट्रीज बात करेंगे और कैसे इसे इंप्लीमेंट किया जाए इसको लेकर सबके बीच चर्चा होगी। यूएन के लिए ये बड़ा और बेहद नाजुक मौका है। साल 2030 के लिए यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय कर रखा है और साल 2015 में तय हुए इन गोल्स में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण से जुड़े कई मुद्दे सुलझाने होंगे ताकि यूएन के महत्व को बनाए रखा जाए। और बहुत सारे देश अब यूएन की प्रासंगिकता पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे में जरूरी है कि ऐसी बातचीत हो। इस बड़े मंच पर इस बार पीएम मोदी भी बोलने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी भारत की चर्चा शुरू हो चुकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंच पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव को लेकर बातचीत हो सकती है जिससे भारत को स्थायी सदस्यता मिल सके। आपको बता दें कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स के लिए भारत लगातार जोर देता रहा है। भारत नहीं बल्कि तमाम मेंबर्स कंट्रीज, यहाँ के फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी कहा है। 5 स्थायी सदस्यों में से 4 इसके पक्ष में है, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाहता है। भारत को स्थायी सदस्यता मिलती है तो सीधे तौर पर यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन के समकक्ष खड़ा हो जाएगा, जो कि चीन नहीं चाहता है। और वैसे भी दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव देखकर दुनिया के कई देश परेशान हैं, चीन उनमें से एक है। स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही इसकी शक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय साख और भी बढ़ सकती है और ये चीन को पसंद नहीं है। कई बार ये भी बात उठती है कि यूएन सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों को बिना वीटो के शामिल किया जाए। इस पर सहमति नहीं बन पाती है क्योंकि ये बिना नख शिख वाले शेर की भूमिका जैसी होगी। स्थायी सदस्य वैसे भी अपने वीटो पावर को छोड़ने पर सहमत नहीं है, न ही वो इस अधिकार को किसी और देश को देना चाहते हैं। भारत की मेंबरशिप के लिए यूएन चार्टर में संशोधन करना पड़ेगा और इसके लिए स्थायी मेंबर्स के साथ साथ 2/3 देशों की ओर से पुष्टि करना बेहद जरूरी है, तभी जाकर भारत को परमानेंट सीट यूएन में मिल सकती है। लेकिन पश्चिमी देशों की एक चिंता ये भी है कि अगर भारत को स्थायी सीट मिल जाती है तो शायद अमेरिकी हितों के लिए वो कदम से कदम न मिला पाए। और लोगों का मानना है कि भले ही अमेरिका कई मौकों पर भारत के स्थायी सदस्यता की वकालत कर चुका है, पर वास्तव में अमेरिकी नीति निर्धारक शायद ही धरातल पर इसे लेकर आ पाएंगे। यूएनएससी जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर बॉडीज में जो है शामिल है और यहाँ पर भारत लगातार कई सालों से कहता रहा है कि उसे इसका मेंबर बनाया जाए। मेंबर बनने से भारत की बात की वजन ज्यादा हो जाएगी और फिलहाल दुनिया के जिन देशों में युद्ध चल रहा है उनमें से लगभग सभी के साथ भारत के संबंध ठीक हैं। ऐसे में अगर भारत के पास स्थायी सीट आती है तो उसके लिए शांति की अपील करना काफी आसान और असरदार हो सकता है। आपको बता दें कि समिट से ठीक पहले अमेरिका की जो एक राजदूत है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा था कि वॉशिंगटन यूएनएससी के लिए भारत, जर्मनी और जापान की सदस्यता को सपोर्ट करता आया है, पर ऐसी बातें हम सालों से सुन रहे हैं। अमेरिका हर बार कहता है कि वो भारत को सपोर्ट करता है पर हम धरातल पर कुछ भी नहीं देखते हैं। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि इस पर क्या होगा, लेकिन क्वाड देशों ने समर्थन दे दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद देशों ने मिलकर ये तय किया था कि एक अम्ब्रेला बनाया जाए जो कि यूएन है, जो शांति और विकास के लिए मिलजुल कर काम करे। तो जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक बैठक हुई जिसमें 50 देशों के लोग शामिल हुए और इनका नेतृत्व ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने किया। भारत भी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। यहीं पर हुई स्थापना यूनाइटेड नेशंस की और यहीं पर संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार हुआ। चार्टर की लाइन थी वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी हम संयुक्त राष्ट्र के लोग,
ये लोग यानी देश दो चीजों पर फोकस कर रहे थे, एक युद्ध से हर साल में बचना और ह्यूमन राइट्स को बचाए रखना। अब इसमें 193 देश शामिल हो चुके हैं, लेकिन भारत इतने सालों के बाद भी अब भी अपनी परमानेंट सीट को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। यूएन में हर सदस्य देश को कुछ पैसे देने होते हैं और ये मैंडेटरी रकम होती है जो देश की आबादी, उसकी जरूरतों और उसकी अमीरी गरीबी के हिसाब से होती है। फंडिंग का एक और तरीका है, वो है वॉलंटरी बेस पर मिलने वाला पैसा। इसमें कोई अमीर देश चाहे वो यूएन को किसी खास काम के लिए पैसे दे सकता है, जैसे एजुकेशन या फिर शांति मिशंस के लिए, पीस मिशंस के लिए। आमतौर पर यूएन जो है उसमें दुनिया का हर देश थोड़ा बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और यूएन की सबसे ताकतवर शाखा है यूएनएससी, जिसमें 5 मेंबर्स हैं, और भारत इसी के लिए लगातार एडवोकेसी करता रहा है। इसमें रूस और अमेरिका लगातार भारत को सपोर्ट करते रहे हैं, पर चीन जैसे देश जो है वो भारत को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर अगर भारत को परमानेंट सीट मिलती है तो यहाँ से क्या बदलेगा। एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर भारत का बेस बनते ही सबसे ज्यादा परेशानी चीन जैसे देशों के लिए खड़ी होने वाली है। आपको बता दें कि इससे मिला जुलाकर आसान भाषा में समझे तो इसका असर ये होगा कि भारत जो भी कहता है अब उस ज्यादा उसमें वजन आ जाएगा। भारत किसी भी वीटो या फिर प्रतिबंध लगाने वाले फैसले में एक अहम फैसला लेने वाला बन जाएगा। भारत के पास कुछ बड़ी शक्तियां होंगी, यानी भारत के किसी भी बात को दुनिया का कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता है।